मैं कहना चाहूंगा कि हमें पहले पता नहीं था कि जो गोरखास थे वो शहीद हुए थे, उन्हें उनकी पहचान नहीं मिल पाई। तो जिसे ये मिशन पे चल रहा है अभी, तो हमें पता लगा कि हाँ भाई कुछ कर रहा है, तो हम इसे बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है कि अपनी पहचान के लिए बंदा आगे निकल रहा है। गोरखाओं की पहचान जरूरी है। दिस इज नैनीताल। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं नैनीताल में। तो ये पूरा जैसे हमारे दार्जिलिंग का माल रोड है वैसे ही लग रहा हमें ना, तो मजा आ गया। जो ये रास्ते पे चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रात को दार्जिलिंग में घूम रहा हूँ। तो अभी 8 बजे के बाद ही ये रूट खुलेगा, तो तब तक हम भी घूम रहे हैं। कैसा लग रहा भाई? भाई बहुत मजा। तो वही है भाई। सो हेलो गाइस, माय चैनल यानी मिस्टर गोखे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अपने मिशन आत्मा शांति भवन ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड को लेकर पहुंच चुका हूँ उत्तराखंड। और फिलहाल अभी हूँ मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर से थोड़ा सा आगे कहते। तो बाकी जी सफ़र शुरू करने से पहले ये मेरा दोस्त है, पिछले वाली वीडियो में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये है तुषार। तो इसने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे जब मैंने बोला कि मतलब भाई मैं ये टूर कर रहा हूँ जितने भी शहीद थे करके। तो कुछ कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि हमें पहले पता नहीं था कि जो गोरखास थे वो शहीद हुए थे, उन्हें उनकी पहचान नहीं मिल पाई। तो जिसे ये मिशन पे चल रहा है अभी, तो हमें पता लगा कि हाँ भाई कुछ कर रहा है, तो हम इसे बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है कि अपनी पहचान के लिए बंदा आगे निकल रहा है। गोरखाओं की पहचान जरूरी है। तो इसने भी बोला कि यार गोरखाओं ने बहुत सारी बलिदाने दी है, बहुत सारी चीज़ें दी है, तो बाहर से मुझे सपोर्ट मिला है, तो ये काफ़ी सपोर्ट करता है मुझे। आज मैं शुरू में निकल रहा था तो ये भी मेरे साथ में ही आ गया। तो आज मैं बाकी जो मेरे मिशन के बारे में तो सभी को आपको पता ही है। बाकी आज हम निकलने वाले हैं जो मार्क जुकरबर्ग और जो स्टीव जॉब है, जो एप्पल के को फाउंडर है, और मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है, उनके गुरु के धाम में। तो वो कौन होंगे जब इंडिया में वो लोग आए थे, इंडिया में आने के बाद वो जब ऑल इंडिया टूर किया उन लोगों ने, तो कहीं से संतुष्टि नहीं मिली, तो उसी जगह पे जाने के बाद, उसी गुरु के शरण पे जाने के बाद उनको एक लाइफ लेसन मिला। लाइफ लेसन मिलने के बाद वो फिर वापस गए, तब जाके वो आज इतने सक्सेसफुल है। तो आज मुझे भी एक मौका मिला है उसी गुरु के पास जाने का, तो भाई भी मेरे साथ है, तो बाकी आप भी मेरे साथ चलोगे, तो तब तक स्टे ट्यून। दोस्तों हम निकलते हैं यहाँ से, सामान वगैरह तो पैक कर लिया है मैंने पूरा। तुषार भी इंतज़ार कर रहा है, तो चलो हम निकलते हैं दूसरी तरफ से। टिमी आइए टिमी, तो ये बीमार हो रखा था हमारा ना कुत्ता। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से। अब नीम करोली बाबा के यहाँ, जय बजरंग बली। अरे तो ये हम पहुँच गए यहाँ, सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, कैमरा वगैरह भी लेके आए हम, तो हो नहीं पाया। तुषार 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 अबे तो रेडी हो गया? ले बैग में डाल, ये इतना सा बैग ला रहा भाई। हम बस इतने में आ जाएगा सब। तो चलो बाकी हम निकलते हैं अभी यहाँ से, तो तब मिलते हैं आपसे। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से। तुषार के यहाँ जाना है? तो दोस्तों अभी हम पेट्रोल तो नहीं डलवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी है फ्यूल, देखो चार है, चार लाइन तो है दिख रहा है। तो सीधे जब हरिद्वार पहुँचेंगे तभी शायद। तो जैसे हरिद्वार पहुँचेंगे तभी भरवाएंगे। तो हम यहाँ पर उतर रखे हैं तुषार के यहाँ पर ना, पर हम पहुंच चुके हैं तुषार भाई के यहाँ पर। ओए होए 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 मेरी जान, कैसे हो कैसे हो?
क्या बात है, तुम भी मेरे जैसे हो गए। सबके सब चाणक्य बन रहे क्या है नहीं। तो चलो तू सर के यहाँ से तो रेनकोट ले लिया, बैठ। तो अब हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों तू सर काफ़ी टाइम से बोल रहा था मुझे ना कि यार भाई तेरे साथ काश मैं भी घूमता इधर उधर। हाँ तो काफ़ी टाइम से बोल रहा था तू था ना कि यार मैं भी चलता तो मेरे कोचिंग वगैरह आया, मैं जा नहीं सकता तेरे साथ करके। तो अचानक से प्लान बना, पता नहीं क्या हुआ कि मतलब वो वहाँ पर जाना है हल्द्वानी करके नीम करोली बाबा के यहाँ, अचानक से पता नहीं दिल में हुआ। तो मैंने कहा चल फिर इससे मतलब शाम को मिला, अचानक से प्लान बना। वैसे हमारा कोई प्लान ही नहीं था मतलब पहले से, तो ये अचानक से प्लान हुआ। तो कल रात को ही बना था और सुबह हम निकल गए। पहले माइंग के साथ था तो माइंग के साथ तो पैराइंग कैंसिल हो गया था, तो मेरा भी मन नहीं हुआ था, लेकिन जाने का मन था, लेकिन अकेला कैसे जाता है किस तरीके से जाता करके ना। तो फिर शाम को तुषार से मिला था, तुषार कह रहा था कि यार चल मैं चलता हूँ, कैसा ब्रेक लगा रहा यार मैं चलता हूँ करके ना। तो ये है एरिया बल्लूपुर का। तो चलो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हम। तो दोस्तों हम हरिद्वार हाईवे पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से हरिद्वार है 41 किलोमीटर, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी है टाइम, कम से कम 6 घंटे लगेंगे हल्द्वानी पहुंचने में। तो तब तक आप इंजॉय करो, थोड़ा सा उधर क्रॉस हो जाऊँ। तो यहाँ से हम आपको माँ गंगे की दर्शन करवाएंगे। तो थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, आ जा और इनको भी दिखा दो। और मैं दिखाऊंगा यहाँ से आपको माँ गंगा का दर्शन, यहाँ से कर देखना आप। ये देखो ये जो सामने दिख रहा है ये पुल बना हुआ है, बहुत बड़ा पुल है, और ये जा रही है माँ गंगा। और ये जो सामने अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, जो ये सामने दिख रहा है आपको ये पूरा माँ गंगा है। और सामने दिख रहा है हर की पौड़ी, जहाँ पर हम लोग नहाते हैं हर एक चीज़ मतलब पाप वगैरह धुलने के लिए। और ये सामने है शिव जी का स्टैचू, जो केदारनाथ के टाइम पे पूरा गले गले तक इनके गले गले तक माँ गंगा आ गई थी। तो ये है माँ गंगा का दर्शन, आप लोग भी कर लो, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये देखो। सो ये ऊपर से पहाड़ वगैरह है ना, तो शायद यहाँ पर भी एक मंदिर है ऊपर पहाड़ में, मुझे नहीं पता किस चीज़ का मंदिर है करके, लेकिन है काफ़ी अच्छा मंदिर वगैरह है वहाँ पर। तो बाकी चलो हम निकलते हैं यहाँ से। तो बाकी होप आपको अच्छा लगा होगा माँ गंगा का दर्शन करके। जय माँ गंगा। तो दोस्तों ये है माँ गंगा बड़ी वाली, ये देखो इसको भी डैम से रोका हुआ है पानी को उधर दूर। तो यहाँ पर भी सामने घाट वगैरह बना रखा है लोगों के नहाने के लिए। तो बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर ना। तो दोस्तों फ्यूल भी कम हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। तो चलिए पहले पेट्रोल डलवा देते हैं। तो ये हमारे भाई लेके जा रहा है। फुल करना हो गया। अब
तो दोस्तों हम हरिद्वार से निकल चुके हैं, पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है, तो नाश्ता करने की सोचा था, पर नाश्ता तो हम अब सीधे नजीबाबाद में करेंगे। और ये देखो कितना प्यारा लैंडस्केप दिख रहा है ना, चारों तरफ एक लक्ष तो ऐसी जगह पे आता हूँ ना, ये देखो तो एक अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही ऐसा लगता है यार जो मूवी वगैरह में देखा था ऐसी जगह। तो जब रियलिटी में जब आपके आप उस चीज़ को जीते हो तो मतलब मज़ा आ जाता है, मतलब फीलिंग ही अलग आती है उस चीज़ की। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं नजीबाबाद मेन मार्केट में, यहाँ पर अभी खाने के लिए पूछ रहे हैं हम देखते क्या क्या है। तो फाइनली दोस्तों अब फिलहाल नजीबाबाद हम पहुँच चुके हैं और यहीं पर खाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि सुबह से आज सिर्फ ब्रेड खाया था, ब्रेड में तो सिर्फ ब्रेड और वो चाय खा के निकला था घर से, बस यहाँ पर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम निकलते हैं। तो बाकी होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा सफर में मेरे साथ, बाकी तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों फाइनली लंच वगैरह हो गया हमारा, तो हम निकलने के लिए रेडी है, तो चलो। तो इंजन ऑयल ओवर हो गया था तो उससे कुछ नहीं होगा कह रहे थे भैया लोग ना, तो चलो खाना वगैरह तो खा लिया हमने, तो अब निकलते हैं हम सीधे हल्द्वानी की ओर। तो दोस्तों लेफ्ट राइट, अच्छा तो ये वो वाला इधर इधर बोल रहा है, इधर कहाँ कहाँ सीधा, पता नहीं ये कौन सी अननोन मार्केट है, हम यहाँ पर घुस गए हैं। तो मार्केट के अंदर से हम निकल रहे हैं, गूगल मैप भी कहाँ कहाँ से निकाल रहा है यार हमें, है भाई हाँ क्या लगी सेल का क्या करेंगे हम, तो ये सीधा सीधा होगा ना। तो ये हम फिर से कनेक्ट हो चुके दोस्तों नेशनल हाईवे में, तो दोस्तों हम फिर से हाईवे पहुंच चुके हैं, तो चलो। तो फाइनली गाइस अब हम हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा दूर ही है जो बाबा का धाम है। तो कैसा लगा हालत बहुत खराब हो गई अभी, गाड़ी में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ चुकी है। तो सुबह से मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि मुझे पता है इसे कब देना करके उस टाइम दूंगा। तो काफी अच्छा लगा, मतलब ये हम दोनों का पहला एक्सपीरियंस है मोटो ब्लॉग का, तो ये मतलब पूरा उत्तराखंड का जंगल देख सकते हो, आगे पीछे कोई घर नहीं है, मतलब यूपी में यूपी से उत्तराखंड में घुसते ही लगे से ऐसी चल गई है। तो जैसे हम यूपी से उत्तराखंड के अंदर घुसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एसी चल रही है, एसी की हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा हूँ कि मैं जो स्टीव जॉब्स थे, मार्क जुकरबर्ग जो थे फेसबुक के ओनर, एप्पल के ओनर, उन दोनों के गुरु एक ही है इंडिया में, वो है नीम करोली बाबा। तो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, तो उनका तो निधन हो गया लेकिन उनका धाम बना हुआ है, तो मतलब अभी भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मतलब जैसे हम वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ की शक्ति ही अलग है करके, क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो बाकी मेरे साथ होप आप लोग भी, मेरा ये जो सफ़र है मोटो व्लॉग है, साथ साथ में नॉर्मल व्लॉग भी कर रहा हूँ, आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुके हैं, तब तक आप स्टे ट्यून। सफर तो हम अभी फिलहाल मेरी स्कूटी से कर रहे हैं, तो
जानदार है बाकी 101 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये चलती है। हमने मतलब टेस्ट करके देख लिया तो बाकी तब तक दोस्तों बने रहो आपके मिस्टर गो के साथ, यानी मैं उदित राणा, स्टे ट्यून। तो दोस्तों चलो रेस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया थोड़ा सा अब आगे जाके, क्योंकि 340 का ही फ्यूल डलवाया था हमने, तो 340 में फुल हो गया था। आराम से बैठ भाई, बैठ गया तो चलो, क्योंकि इंसान के साथ साथ गाड़ी को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल जाना है, हाँ भरवा लेते हैं यार यहीं से ना। तो ये हैं अभी हम जा रहे कैंची धाम, हाँ फिर देखते हैं नैनीताल भी है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रेनकोट वगैरह पहन लिया है, अंदर डाल दे तो चलो डाल। तो दोस्तों मैंने फ़ोन का नाइट मोड ऑन कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख जाए, दिखे करके। पता नहीं दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं होगा, दिख रहा हूँ उजाला आ रहा है ना, तो पता नहीं आप लोगों को मैं कैसा दिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक काफ़ी अच्छा नज़ारा है वो दिखाऊंगा आपको। ये देखो मेरे पीछे, हाँ ना प्यारा ये चांद दिख रहा है, और ये देखो हाय हाय नाइट व्यू ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जन्नत पहुँच चुके हैं है? काफी अच्छा लग रहा ना भाई, दिल को मजा आ रहा है यहाँ पे देख के, ऐसा लग रहा है यही सो जाऊं मैं आज, है ना। पर यहाँ सो गया तो सुबह तक मिलूंगा। काफी अच्छा नजारा देखने को मिला, मतलब सूरज ढल रहा था, चांद निकल चुकी थी ऊपर, और जो आसमान देखो आसमान, आप मेरे पीछे आसमान, ऐसा मन कर रहा है मैं यही सो जाऊं, है ना, मजा नहीं आ रहा है भाई पूरा। मैं तो पर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा लेट हो चुका है, पर फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलो यार, तो चलो बाकी हमने यहाँ पर रोका, अब सीधे ऊपर ही रोकेंगे, अब नहीं रुकना कहीं और, तो तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल में, और ये रोड ब्लॉक हो रखा है, 8 बजे के बाद ही खुलेगा, तो 8 बजे के बाद ही हम केची धाम के लिए रवाना होंगे। बहुत है तो रास्ते में बारिश होने जैसा हो रहा था, तो रेनकोट वगैरह पहन लिया था, रेनकोट ले लिया, अभी यहाँ पर ऐसा होता है, ये स्टेशन है। तो नैनीताल पहुँच चुके, तो यहाँ देखो इतनी भीड़ हो रखी है, तो बाकी 8 बजे के बाद ये हमें निकलना है, देखते हैं, बहुत खतरनाक ठंड है, तो बाकी तब तक स्टे ट्यून दोस्तों। दिस इज नैनीताल, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं नैनीताल में, तो ये पूरा जैसे हमारे दार्जिलिंग का माल रोड है वैसा ही लग रहा है हमें ना, तो मजा आ गया। जो ये रास्ते पे चल रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं रात को दार्जिलिंग में घूम रहा हूँ, तो अभी 8 बजे के बाद ही ये रूट खुलेगा, तो तब तक हम भी घूम रहे हैं, कैसा लग रहा भाई? भाई बहुत मजा तो भाप निकल रही ठंड वाली, मजा आ गया ना भाई, ये देखो आप इंजॉय, देखो यहाँ पर ना पूरा यहाँ पर स्टॉल वगैरह भी लगा हुआ है, यहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ है, तो बाकी यार मजे तो आ रहे हैं, है ना, थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, क्योंकि आई थिंक 240 किलोमीटर से ड्राइव कर करके आई थिंक कितना 240 तो हो गया होगा ना, 247 से ज्यादा, 247 से ज्यादा, मतलब सिर्फ हम दो बार रुके होंगे, उससे ज्यादा नहीं रुके, तो कमर दर्द हो गया राइड कर करके ना,
आपको भाई यहाँ पर। तो फाइनली गाइस हम नैनीताल क्रॉस कर चुके हैं, तो यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि पता नहीं आप आगे जाके खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रात भी बहुत हो चुकी है। अगर वहाँ पर आश्रम वगैरह तो रहने के लिए होगा ना, तो वहीं पर आश्रम में ही रुकना पड़ेगा। तो कल सुबह दर्शन करके फिर हम वापस निकलेंगे देहरादून से। तो बाकी अभी हमारा खाना बन रहा है, तो बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। डिनर हैज बीन डन, अब हम निकलने के लिए रेडी है। तो यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे है, उसके बाद हम जाके रेस्ट करेंगे, सीधे सोना है बस। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। फाइनली गाइस हम रूम पहुँच चुके हैं और ठीक मंदिर के सामने ही रूम मिल गया हमें। पहले हम नीचे तक गए थे तो कोई 2000 कोई 3000 बोल रहे थे। सबसे पहले तो हम आश्रम ढूंढ रहे थे कि मतलब कोई आश्रम वगैरह है नहीं है करके। तो आश्रम वगैरह तो यहाँ पर बना नहीं है, अभी आने वाले टाइम पे बनेगा शायद। तो ये रूम मिला हमें बहुत मुश्किल के बाद, एक ठीक ठाक रूम मिला, देख सकते हो अच्छा है। काफी मशक्कत करनी पड़ी है रूम ढूंढने के लिए। रात के कितने बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है? तो भी टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 हो गए, 10:30 है मतलब ठीक। हमें 12 घंटे लग गए, सुबह निकले थे 10 बजे, भयंकर ठंड है ना। सुबह 10 बजे निकले थे हम देहरादून से और रात को 10 बजे ठीक रूम पे पहुंच गए, मतलब 10:30 तक। तो बाकी चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा आना हो ना, पैसे लेके आना 5000 बंदे। तो हमने तो मतलब कम से कम, मैंने तो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस था तो मैंने सस्ते में निपटा दिया है, लेकिन बहुत महंगा, बहुत ही ज्यादा महंगा है यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था तो मैंने मतलब इधर उधर से करके मतलब थोड़ा बजट में ले आया। तो बाकी अब बहुत ज़्यादा थक चुके हम दोनों, तो अभी सोते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे, पूरा बाबा मंदिर का दर्शन करवाएंगे फिर हम निकलेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए सुबह मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है, नहा धो के हम रूम से बाहर निकल चुके हैं और आप जो ये नीचे देख रहे हैं ये कैंची धाम बाबा का धाम। तो अभी दर्शन करके दर्शन करने के बाद फिर हम निकल लेंगे। तो टाइम अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, फिर आप जैसे वहाँ दर्शन करेंगे फिर हम उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे नैनीताल के वाल। तो जो नैनीताल का ब्लॉग होगा वो दूसरे वीडियो में मिलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ब्लॉग खींच जाएगा, तो मैं पार्ट करके डालूंगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम यहाँ पर धाम के सामने प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से प्रसाद ले, तो प्रसाद लेने के बाद हम घुसते हैं अंदर। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज, आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक नदी भी है, बहुत ही प्यारी नदी, साफ। तो मैं दूसरा टी शर्ट नील आया था जो मेरा मिशन आत्मासन के भ्रमण का था, एक ही टी शर्ट था वाइट पहना था, वो पूरी गंदी हो गई, तो वो मैंने धो के बैग में रखा, वो पूरा गिल्ला हो रखा था, तो एक ही टी शर्ट था, तो वो दूसरा कपड़ा तो ला रखा था, तो उसके बाद मैं बाकी दूसरे वाले टी शर्ट में लाना भूल गया, तो वो नहीं पहना, तो उसके रिगार्डिंग आई एम सो सॉरी। तो ये माँ वैष्णो देवी और परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली बाबा महाराज के दरबार के सामने हम पहुँच चुके। तो पहले हम जूता वगैरह उतार लेते हैं फिर अंदर जाते हैं। सर यहीं पर उतारते हैं जूता। तो दोस्तों ये मैंने क्लिपिंग ले रखी है छुप के, तो अंदर मना कर दिया था, तब मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्लिपिंग लिया। ये सामने हनुमान जी का है मंदिर और अंदर है बाबा का जो उन्होंने मेडिटेशन किया था, वो सामने कोने में है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन करते हुए दिख भी रहे होंगे आपको, है ना। तो ये छुपके बनाया था मैंने ना, और ये है नीम करोली बाबा का, जिनको जब सिद्धि प्राप्त हुई थी इसी जगह पे उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों अंदर फोटो खींचने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर किया छुपके, क्योंकि इतना दूर आया था, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता था। और दो तीन बाबा ने तपस्या किया हुआ था, वो कक्ष वगैरह भी थे, है ना, चीज़ें वो सारी मतलब कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर मना कर दिया था, तो जितना भी मुझसे हो पाया मैंने वो किया। बाकी अब हम निकलते हैं यहाँ से, पहले ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमने बैग रखा है, ऊपर दुकान पर रख रखा है। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड।
बाकी दोस्तों नीम गोरीले बाबा के ची धाम का सफर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम निकल रहे सीधे नैनीताल की ओर। तो बाकी होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी करना मत भूलना और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नैनीताल वाले सफर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।